अपने क्षेत्र की खबर जानने के लिए हमारे YouTube चैनल गांव तक को सब्सक्राइब करें और ताजा अपडेट पाने के लिए बेल आइकन बटन को दबाएं। पैसा एक्ट से मिले अधिकारों का प्रभावी ढंग से उपयोग कर गांव का उत्थान करें, पैसा अधिनियम के क्रियान्वयन में प्रत्येक ग्रामीण सक्रिय सहभागी बने, यह बात जन शिक्षक व प्रभारी अधिकारी श्री दिनेश मनाते ने जनजातीय ब्लॉक के ग्राम काला में विशेष ग्राम सभा में कही। पैसा एक्ट अधिनियम को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए खंडवा जिले में जनजाति बाहुल्य विकासखंड खालवा की समस्त 86 पंचायतों के सभी गांवों में पैसा एक्ट विशेष ग्राम सभा का आयोजन किया जा रहा है। ग्राम सभा को संबोधित करते हुए बताया कि पैसा एक्ट के तहत राजस्व अभिलेखों की त्रुटियों के सुधार की अनुशंसा का अधिकार ग्राम सभा का होगा। भू अर्जन, खनिज सर्वे, पट्टा और नीलामी के लिए ग्राम सभा की सहमति और अनुशंसा जरूरी होगी। ग्राम सभा को तालाबों के प्रबंधन, तेंदुपत्ता संग्रहण एवं विपणन, आपसी छोटे मोटे विवादों के निराकरण के संबंध में प्राप्त अधिकारों की जानकारी दी। यदि ग्राम से मजदूरों को बाहर ले जाना हो तो पहले ग्राम सभा को जानकारी देनी होगी। गांव में बाहर से आने वाले व्यक्ति की जानकारी भी ग्राम सभा को देनी होगी, जिनकी जानकारी रजिस्टर में रखी जाएगी। गांव में पलायन और मजदूरों के शोषण को रोकने का अधिकार भी ग्राम सभा के पास होगा। मनरेगा के माध्यम से कब और कौन सा कार्य कराया जाना है, यह सब ग्राम सभा ही प्रस्ताव बनाएगी। श्री मनाथे ने अधिकारों के बारे में भी जानकारी ग्रामीणों को दी। श्री मनाथे ने बताया कि पैसा एक्ट से मिले अधिकारों के तहत अब छोटे आपसी विवादों को सुलझाने का अधिकार ग्राम सभा का होगा। एक तिहाई महिला सदस्यों के साथ शांति एवं विवाद निवारण समिति, यह समिति परंपरागत तरीके से विवाद निपटारा करने में सक्षम होगी। गंभीर प्रकृति के अपराधों में भी FIR होने पर सूचना ग्राम सभा को दी जाएगी। उन्होंने बताया कि जनजातीय क्षेत्रों में लाइसेंसधारी साहूकार ही निर्धारित ब्याज दर पर पैसा उधार दे सकेंगे, इसकी जानकारी भी ग्राम सभा को देना होगी। साहूकार द्वारा अधिक ब्याज नहीं लिया जाएगा, अधिक ब्याज लेने पर संबंधित पर कार्रवाई की जाएगी। कोई आजकल पान दुकान तो शराब मिलती है, किराना दुकान तो शराब मिलती है ना, दुकान दुकान शराब बिक रही है, दूध वाले को गली गली घूमना पड़ता है, अच्छी चीज बेच रहा है ना वो, तो दूध वाला घरा घर जाके बोलता है भैया दूध ले लो दूध ले लो, लेकिन शराब वाला गली गली थोड़ी घूमता है, आदमी ढूंढता ढूंढता चल जाता है, कहाँ मिलेगा वो फलानी दुकान मिलेगा पहुंच जाता है, बुराई को ढूंढने के लिए आदमी पहुंच जाएगा, लेकिन दूध वाला तुमको ढूंढता है भैया दूध ले लो गली गली फिरता है, तो अच्छी चीजों को ग्रहण करो भैया। अगर हमारे गांव में कोई शराब दुकानों पर बेच रहा है, पान दुकान पर बेच रहा है, किरान दुकान बेच रहा है, तो हमारी ग्राम सभा समिति तय करेगी कि इसको शराब नहीं बेचने देंगे, क्योंकि इससे हमारे गांव का माहौल खराब हो रहा है। और अगर सरकारी शराब की दुकान भी खुलती है गांव में और गांव के लोग नहीं चाहते कि हमारे यहाँ शराब दुकान नहीं होना, इसको यहाँ से कहीं दूर शिफ्ट किया जाए, हमारे गांव में नहीं चलेगा, तो ग्राम सभा उस दुकान को भी वहां से हटवा सकती है। इतना अधिकार आप लोगों को दिया है, सरपंच और जो इतने मेंबर है वो इसका अध्यक्ष नहीं बन सकता, इसका अध्यक्ष इन सबसे हटके रहेगा, न वो पंच हो सकता है, न सरपंच हो सकता है, न उप सरपंच हो सकता है, एक अलग ही इसका अध्यक्ष बनेगा, और वो जो है अध्यक्ष है वो आप लोगों को आप लोगों के द्वारा ही बनाया जाएगा, और वो जो इसका एक रिकॉर्ड भी रहेगा कि उसमें क्या क्या ग्राम सभा में क्या क्या बातें हुई है ना, वो सब उसको नोट बंद करेगा, लिखेगा क्या प्रस्ताव लिए गए है ना पंचायत के, तो इसमें जो ग्राम सभा है इसका ग्राम पंचायत स्तर पर, पंचायत स्तर पर नहीं, प्रत्येक ग्राम में आदिवासी विकास खंड के प्रत्येक ग्राम में एक ग्राम सभा समिति का गठन होगा। पैसा एक्ट ग्राम सभा में अध्यक्ष सचिव बनाना है, उसमें एक महिला अध्यक्ष रहेगा, और इसमें पंच उप सरपंच सरपंच कोई भी पद अधिकारी वाले नहीं रहेगा, और तीनों
यहाँ कलाम कला, कलाम पीपल टोला और मदरानी, मतलब तीनों ग्राम में अलग अलग ग्राम सभाएं हो रहा है। अनोर सरपंच कलाम कला, ग्राम पंचायत कलाम कला से आज पैसा एक्ट का ग्राम सभा रखा गया है, जिसमें लोगों को जानकारी दिया गया। आज यहाँ ग्राम पंचायत कलाम कला के ग्राम में यहाँ आदिवासी चौपाल पे मैं जो पैसा एक्ट के बारे में लोगों को जानकारी देने आया हूँ, और इसमें पैसा एक्ट जो कानून बना है उसके संबंध में अभी प्रचार प्रसार चल रहा है, तो जल जंगल आदिवासी संस्कृति आदि सब लोगों को जागरूक करने के हिसाब से ये जो ग्राम सभा ली जा रही है, इसमें लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि पैसा एक्ट कानून क्या है, इसके बारे में इनको विस्तृत रूप से बताया जा रहा है। इससे गांव में जागरूकता आ रही है, पैसा एक्ट के बारे में लोग जान रहे हैं,